मैंने मौसम से पूछा तुम क्या कर रहे हो। उसने बोला मैंने बाहर का झाड़ू निकाला है। मैंने कहा एजाज का घर कहाँ है। उसने बोला इधर सीधे रास्ते से अंदर जाओ, उधर ही उसका घर है, उधर सामने खड़ा होगा। ये एजाज रास्ते में गया था, ये बीच में जा रहा है आगे आगे। मैं उसके पीछे उसके घर तक पहुँचा, जाके उसके परिंदे देखे हमने, उसको गृहबान लिया था मैंने। वो कह रहा था मेरे बर्ड देखो। मैंने कहा यार तुम्हारे बर्ड तो बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। उसकी जो है ना हमने बर्ड की वीडियो भरी थी गेज की, सामने से बर्ड नज़र आ रहे थे। फिर एजाज के कमरे के हाल के अंदर हम बैठ गए थे, तीन चार लड़के भी थे साथ में। फिर उससे गड़े मारे ऐसे बैठ के, मेरे हाल आवाज किया उससे। मैंने कहा तुम इधर क्या कर रहे हो। कह रहा यार मैं काम पे नहीं हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया है, प्रोजेक्ट का एनजीओज का वो भी ख़त्म हो गया है, मैं परेशान हूँ बिल्कुल। इस वजह से मैं उसको पूछताछ करने के लिए घर पर आया था। ये मेरे साथ बैठा हुआ है एजाज और मैं अपने घर की तरफ वापसी जा रहे हैं गलियों में से। अभी मैं बाहर आ रहा हूँ, ये सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये खेल रहे थे। इनसे मैंने पूछा ये तुम इधर क्या कर रहे हो।